ओम शांति। आज अपने देवी परिवार के हैदराबाद निवासी शांति सरोवर के पिलर्स भाई बहनों से मिल रहे हैं। बाबा ने हम बच्चों को नई विधि मिलन मुलाकात की दी है। पहले सम्मुख ही मिला करते थे, फिर फोन के द्वारा मुलाकात, मोबाइल के द्वारा मुलाकात करते करते आज हम इंटरनेट से मुलाकात कर रहे हैं। सम्मुख साकार रूप में कोई भी नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, मिल रहे हैं। फरिश्ता स्थिति के समीप की स्थिति है। फरिश्ते भी इस धरती पर पांव नहीं रखते, उड़ते रहते हैं। हम भी आज आकाश नेट पर हैं, धरती पर नहीं हैं, और उससे मुलाकात हो रही है। मुलाकात का साधन बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर दिया है, और वो है रूहानियत। जिधर देखो, रूहों को देखो, रूहों से व्यवहार करो, रूहों से मिलन मुलाकात मनाओ, और ये तो संभव हो सकता है। कहीं पर भी किसी भी कोने में बैठे हैं, हम कर सकते हैं। तो आज तीव्र पुरुषार्थ, जिसका उपयोग इन शब्दों का मम्मा के जमाने से है, मम्मा के महावाक्य जब देख रहे थे तो उसमें मामा ने इन शब्दों का उपयोग किया है। और पुरुषार्थ तब होता है जब पहले लक्ष्य निश्चित होता है। वह लक्ष्य हमारा क्या है? वो लक्ष्य है कर्मातीत बनना, संपूर्ण और संपन्न बनना, देवी देवता बनना। मुझे याद आता है, हम बच्चे होते थे तो एक बार गंगे दादी को पूछा, ये पढ़ाई हमारी कब खत्म होगी? और पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं, डिग्री मिल जाती है और फिनिश हो जाता है, उसके निश्चित साल होते हैं,
10 साल 15 साल जो भी है, ये पढ़ाई हमारी कब पूरी होगी? तो उनका उत्तर था, जिस दिन आप देवता बन जाएंगे उस दिन ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो बाल बुद्धि समझती थी कि थोड़े दिनों के बाद हम देवता बन जाएंगे, लेकिन ज्यों ज्यों कदम आगे बढ़ाते रहे तो समझ में आता रहा कि देवता बनने के लिए कितनी गहरी जड़ें चाहिए। देवता बनने के लिए कितने वृहद रूप से आत्मा का विकास चाहिए, कितने गुणों की धारणा चाहिए, और वंडरफुल बात, ज्यों ज्यों पन्ने पलटते गए त्यों त्यों समझ आती गई कि गुणों की धारणा के लिए शक्ति चाहिए। अगर शक्ति नहीं होगी तो गुण नहीं आ सकते। मैं मधुर बनना चाहती हूँ, देवताएं बहुत मीठे होते हैं, मधुर बनना चाहती हूँ, ये मधुरता का गुण कहाँ से आएगा? जब थोड़ा समाने की शक्ति होगी, जब थोड़ा सहन शक्ति होगी, तब मधुरता का गुण आएगा। ऐसे और गुण भी हैं और उन गुणों की धारणा के लिए शक्ति चाहिए। हर गुण की धारणा के लिए शक्ति चाहिए। वो शक्तियाँ कहाँ से आएंगी? वो शक्ति तो केवल और केवल प्यारे बाबा की याद से ही आ सकती है। जितना जितना याद में मजबूत होते जाते हैं उतना उतना ये शक्तियाँ जीवन में आती जाती हैं, और जितना जितना शक्तियाँ आती हैं उतना उतना रूहानियत और वह रूहाब दिखाई देना शुरू होता है। अब इसके लिए हमें चाहिए तीव्र पुरुषार्थ। पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। क्यों तीव्र शब्द आया? क्योंकि करना अधिक है और समय थोड़ा है। इस संदर्भ में अभी मैंने कुछ क्लासेस में ये बात कही भी है, शायद किसी ने सुनी हो। बाबा से एक भाई मिल रहे थे। बाबा ने पूछा, बच्चे तुम कैसे हो? बाबा, मैं अच्छा चल रहा हूँ। बाबा ने कहा, क्या कहा? बोला, मैं अच्छा चल रहा हूँ बाबा। बाबा ने कहा, फिर से बोलो, क्या बोला? बाबा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अच्छा चल रहा हूँ। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम तो बड़े घाटे में जा रहे हो। बाबा, मैं अच्छा चल रहा हूँ। हाँ बच्चे, तुम बहुत घाटे में जा रहे हो। क्यों? ये है उड़ने का समय और तुम चल रहे हो। उड़ने के समय पर अगर कोई चलेगा तो कैसे काम चलेगा, पहुंच पाएगा? एक है उड़ान भर कर के माउंट आबू पहुंच जाना, और एक है छोटे मोटे वाहनों से पहुंचना। समय तो लगता है ना। तो ऐसे ही अब हमारी जो गति है, जिसको मम्मा कहती थी तीव्र गति,
वो कौन सी है? तीव्र गति माना मम्मा के शब्दों में बाबा ने कहा और हमने किया, बाबा ने कहा और हमने किया, क्या कारण है मम्मा इतना जल्दी कर्मातीत हो गई? क्या कारण है ब्रह्मा बाबा इतना जल्दी अव्यक्त हो गए? क्या कारण है कि जो बाबा कहते रहे, मम्मा बाबा दादियां, उन्होंने उसको साकार रूप तुरंत दिया। मम्मा के शब्दों में बाबा के मुख और तुम्हारे कानों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। बाबा बोले और हम उसे प्रैक्टिकल करें। मम्मा की लाइफ यही थी, टोटल लाइफ। मम्मा ने कभी किसी की इंतज़ार नहीं की, मम्मा ने कभी किसी को देखा नहीं, मम्मा ने कदम आगे बढ़ाया तो पीछे मुड़ करके नहीं देखा। यदि आप गौर करेंगे तो बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट समझाया है कि जितना देर संगम पर तुम्हारे संस्कार दैवी होंगे, उतना ही दूर तक तुम आने वाली सतयुगी दुनिया में उन संस्कारों के आधार से राजाई प्राप्त कर सकोगे। यहां स्वराज अधिकारी तो वहां विश्व अधिकारी। बाबा ने हिसाब समझाया है। बाबा जब हमारे पुरुषार्थ को चेक करता है तो भी ये बात देखता है कि जिस दिन से बाबा के बने, उस दिन से आज दिन तक के रिजल्ट क्या है। मानो बाबा हमारे स्नेह का चार्ट देखता है। तो जिस दिन से बाबा के बने, उस दिन से लेके आज दिन तक हमारा स्नेह अटूट रहा, जोड़ तोड़ वाला तो नहीं रहा, अटूट रहा। ऐसे ही हर चीज को बाबा देखता है, हर बात को। बहू का जब से जन्म लिया तब से लेके आज दिन तक स्थिति क्या रही। तो हमें इस बात का ध्यान देना है। उसके लिए जो मम्मा का फॉर्मूला, उसको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। अगर आप सच पूछें तो मेरा मानना है कि तीव्र पुरुषार्थी कभी प्लान नहीं बनाते। मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। तीव्र पुरुषार्थियों को प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। तीव्र पुरुषार्थियों को ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या पुरुषार्थ करें। नहीं, तीव्र पुरुषार्थी तुरंत करते रहते हैं, वो प्रतीक्षा नहीं करते। मैं बाबा की एक मुरली पढ़ रही थी और बाबा ने जो हम बच्चों को कहा है कि तुम्हारा स्वरूप क्या होना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो बात, बहुत ही अच्छी लगी। और कितने साल पहले, लगभग 35 साल पहले बाबा ने आज के इस सिनारियो को खींच करके बताया था, 35 साल पहले। वो क्या था? बाबा ने कहा कि
आप लोगों का गायन आदि में किस रूप से था? देवियां आई हैं, देवियां आई हैं, और सेवा होती थी तो भी किस रूप से? ये देवियां आई हैं, देवियों का भाषण है, देवियों के लिए ये चीज है। बीच में क्या हुआ? और अब अंत में जो बाबा कहते हैं, जो आदि सो अंत, भाई बहने समझ लेते हैं कि वही 14 वर्षों वाली भट्टी होगी, वैसे ही बाबा बहलाएगा नहीं, जो आदि से अंत। अब तो मैच्योर हो गए ना, वो हमारा बालकाल था, अब तो मैच्योर है, अब वानप्रस्थी है, वापस जाने की तैयारी में है। तो जो आदि से अंत, उसका रहस्य ये है कि जैसे आदि में हमें देवी स्वरूप से देखते थे, अंत में अब वही स्वरूप से पुनः देखेंगे। आदि में भट्टी से निकले थे, सेवा में गए थे, इस दीन दुनिया का कुछ पता नहीं था, दुनिया से बिल्कुल न्यारी आत्माएं थीं, बिल्कुल न्यारे लगते थे। ऐसे ही अब पुरुषार्थ करते करते इतना न्यारापन और इतना निरालापन हमारे जीवन में आ जाता है, जो पुनः लोग वही कहेंगे, वही देवियां हैं, वही देवताएं हैं, वही देवियां हैं। ये वह वह अभी होनी है, लेकिन बाबा ने कहा उसके लिए तुम्हें करना क्या है। मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे लगा 35 साल पहले बाबा ने ये बात कही और हमारे ध्यान पर नहीं है, हम इसको सहज रूप से उस समय ले लिया, एक बार मुरली सुन ली, हाँ जी मुरली सुन ली, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन क्या है, जबरदस्त है। बाबा ने कहा उसमें तुम्हें निरंतर योगी योग टूटे और जुड़े, योग में मेहनत हो नहीं। दादी प्रकाशमणि जी से पूछा गया, दादी हमारे कर्म बंधन चुकतू हो गए हैं, उसकी निशानी क्या है? दादी जी का उत्तर था कि जिस घड़ी बाबा की याद में बैठो, मेहनत ना करनी पड़े, याद टिक जाए, एकाग्र बुद्धि हो जाए, वह है कर्म बंधन से मुक्त अवस्था। अब हम चेक कर सकते हैं, निरंतर योगी याद मन की तार तेरे से जुड़ी ही रहे, गीत तो हम गाते हैं लेकिन मन की तार निरंतर जुड़ी हुई है, सोचो। आप कहेंगे सूक्ष्म में तो और कुछ है ही नहीं, निसंदेह, लेकिन वो निरंतर योगी अवस्था वो मेरी बनी हुई है, मैं संतुष्ट हूं कि मेरी निरंतर योगी अवस्था है। योग टूटता तो नहीं, ये हमारी अंतिम स्थिति,
निरंतर योगी, और कुछ है ही नहीं। हम चेक कर सकते हैं, अगर बुद्धि इधर उधर जा रही है तो निरंतर योगी तो नहीं हुए ना। गुलजार दादी कहती हैं, भाई बहन कहते हैं बाबा को याद कैसे करें, लेकिन हम कहते हैं बाबा को भूलें कैसे, बाबा को भूल नहीं सकते हैं। बहुत सुंदर बात कह रहे थे, आती छोटी छोटी बातें जो योग को तोड़ती हैं। दो शब्द हैं, बात और बाप। बड़ा कौन? बाप। लेकिन छोटी सी बात हो जाती है, मन में बैठ जाती है, तो बाप को हम घर से निकाल देते हैं, उस बात को मन में बसा लेते हैं, अपने घर में बिठा लेते हैं और बाप को निकाल देते हैं। मैंने सुना तो मुझे तीर जैसी बात लगी। बाप को निकाल देते हैं, बात को बिठा लेते हैं। सच बात है, छोटी मोटी बातें होती क्या। हमारा ये टाइम अभी युद्ध करने का है, तीव्र पुरुषार्थियों को युद्ध नहीं करना पड़ता। बहु काल के विजय के संस्कार चाहिए, बहु काल के। हम अपन को चेक करें, क्या मैं युद्ध करती हूँ अभी भी? युद्ध करना माना अपने स्टेटस से नीचे आना। क्या हमारा स्टेटस है? क्या हमारा स्वमान है? और परिस्थिति क्या है? हम उस लेवल पर आकर के उसका सामना करते हैं। सामना करना तो वैसे भी अच्छी बात नहीं मानी जाती। उड़ान भरनी होगी, परिस्थिति के ऊपर से उड़ान भर दो। परिस्थिति मुझे अपनी स्वस्थिति से नीचे उतार दे तो परिस्थिति बड़ी हो गई ना। फिर हम कहते इसी कारण से तो योग टूटता है ना, इसी कारण से तो ये होता है ना। नहीं, वो पिलर निरंतर योग का अभी कितना दूर है, ये बात चेक करनी है। आप सब ज्ञानी तो आत्माएं हैं, इसके विस्तार में और जाइएगा। निरंतर योगी, ये तार तुमसे जुड़ी ही रहे, टूटे नहीं, गांठे ना बने। दूसरी बात, निरंतर सेवाधारी, ये स्वरूप हमारा फाइनल स्वरूप है। मुझे सेवा का प्लान नहीं बनाना पड़े, मुझे सेवा के लिए बुद्धि चलानी ना पड़े, लेकिन मेरी पर्सनालिटी, मेरा व्यक्तित्व
मेरा बोलना, मेरा देखना, मेरा चलना, व्यवहार में आना, मेरा स्वरूप सेवा करता रहे। कैंडल होती है, दीपक होता, हम जगाते हैं, प्रकाश देता रहता है। एयर कंडीशनर है, कमरे को ठंडा करके रखता है। हम जाते हैं, उसका अनुभव करते हैं, कमरा ठंडा है। सोचो, कभी आपने ये तो नहीं कहा एयर कंडीशनर मुझे ठंडा कर दो, नहीं, अपने आप होता है। तो सेवा निरंतर रूप से इतनी रोम रोम में बसी हुई हो, आज दादियों को जब हम मंच पर देखते थे, वो कुछ बोले या ना बोले, उनकी वो मूर्ति सेवा करती थी। कई बार कुछ दादियां बोलती नहीं है, सिर्फ बैठती हैं, परंतु सेवा कर रही है, मन से शुभ भावनाएं निकल रही हैं, वाणी से मधुर बोल, कर्मणा से वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस सेवा करते हैं। निरंतर सेवाधारी, वाणी के द्वारा इतनी सेवा करने के बाद भी लोगों को क्या चाहिए? वाइब्रेशंस। वो वाइब्रेशंस की सेवा चाहिए। बाबा आते हैं, बाबा कुछ बोलते नहीं, केवल दृष्टि देते हैं। कितनी सेवा हो रही है, सबकी बुद्धियों को एक मुष्ट कर लेते हैं, कितनी सेवा हो रही है। तो बाबा, हम बच्चों से ये चाहते हैं अब कि हम निरंतर सेवाधारी बने। तीसरा, निरंतर साक्षात्कार मुहूर्त। मम्मा को, बाबा को ये निरंतर याद रहता था। बाबा को एक बार पगड़ी पहना दी, फोटो तो हमारे पास है, लेकिन बाबा ने उसको झट उतार दी, ये कह के कि अगर मेरा साक्षात्कार शिव बाबा कराएगा तो भगत तो पहचान ही नहीं पाएंगे। बाबा सदा रेडी रहते थे, बाबा के सदा दो स्वरूप चेहरे से नजर आते थे, एक योगी
और दूसरा हर्षित। ऐसी आत्मा जिसका योग लगा ही हुआ है और हर्षित, आज जो हम कहते हैं अंत में बाबा सबको साक्षात्कार कराएंगे, आदि में ब्रह्मा में श्री कृष्ण दिखता था, मम्मा में श्री लक्ष्मी दिखती थी, आज हमारे द्वारा कौन दिखता है? ज्योति बिंदु बाबा दिखता है, पूछना। बाबा ने कहा अंत में सबको साक्षात्कार होगा, सबको। तो बाबा साक्षात्कार कोई ना कोई के थ्रू ही तो कराएगा ना। तो मुझे साक्षात्कार मूरत बनना है, साक्षात्कार मूरत। कहीं पर भी बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा से ऑफिसर को विष्णु का साक्षात्कार हो गया, साधारण कर्म कर रहा था बाबा, अनाज साफ कर रहा था, हम साधारण कर्म करते हैं, बाबा दिखाई देता है विष्णु छोड़ो, बाबा दिखाई देता है, या कर्म के स्वरूप हो जाते हैं। अगर कर्म के स्वरूप हो जाते हैं तो बाबा थोड़ी दिखाई देगा। तो निरंतर साक्षात्कार मूरत मुझे बनना है, निरंतर, कम बात नहीं है। और चलो चौथी बात बाबा ने कही, निरंतर साक्षात बाप स्वरूप। जिसका अर्थ है जो बाबा के गुण, जो बाबा का स्वरूप, वो दिखाई दे। क्या मुझसे बाप दिखता है? गीत तो हम गाते हैं, मैं क्या करूं तुम्हें, खुदा दिखता है, बाप दिखता है, भगवान दिखता है, मुझसे दिखता है? बाप समान मेरा स्वरूप है, बेहद उदार चित, विशाल, अति पवित्र,
दाता विधाता वरदाता, नॉलेजफुल, जानी जाननहार, करण करावनहार, साक्षात बाप स्वरूप है। अब ये देखना चाहिए, अंत समय आखिर कौन सा कौन सा। अब तो हम भाषण भी नहीं कर सकते, बड़ी गैदरिंग्स भी नहीं कर सकते, अब क्या करना है? ये कुछ नहीं कर सकते। साक्षात बाप स्वरूप कैसे? अंतः वाहक शरीर द्वारा सेवा। मैं ये स्वरूप रहूं और बाबा मुझ आत्मा का साक्षात्कार कराए, मैं बाबा के काम आऊं, मेरा साक्षात्कार नहीं, बिंदु का, वो अंतिम समय चाहिए। अंत समय के लिए कहते हैं भाई, अंत समय बाबा याद आए, उसके सामने चित्र रख दो, बाबा याद आए उसको, और कुछ नहीं रखो, ब्रह्मा बाबा का चित्र रखो, शिव बाबा का चित्र रखो। तो सवाल उठता है, इतनी सारी उम्र हमने त्याग किया, तपस्या की, सेवा की, कमाई की, और आखिरी मिनट पर भी अगर मुझे ये कहा जाता है शिव बाबा याद करो, शिव बाबा याद करो, शिव बाबा को बोलो, तो राइट, अच्छी बात नहीं। अंतिम अवस्था ऐसी हो जो मुझे देख कर औरों को बाबा की याद आ जाए। मुझे देखकर बाबा की याद आए, वो है अंत घड़ी सुहेली होना। ये है अच्छे स्टूडेंट्स का पुरुषार्थ। हमें ऑर्डिनरी स्टूडेंट तो नहीं बनना है ना। आजकल एक बात बार बार स्मृति में आती है, और मैंने देखा कि बाबा ने वो बातें बहुत पहले से कही है, 35-40 साल से कही हुई है, लेकिन हमें, मैं सबके लिए नहीं कहती, अपने लिए अभी रजिस्टर हो रहा है कि साधारणता नहीं चाहिए, हम साधारणता में अगर आ जाते हैं
तो वो शक्तिशाली स्थिति तो नहीं है ना। साधारणता में क्यों? व्यर्थ पर अटेंशन है, नेगेटिव पर अटेंशन है, लेकिन क्या इतना ही अटेंशन साधारण और फालतू पर भी है? फालतू बातें, साधारण बातें, इतना ही अटेंशन है, ये चाहिए। विशेष आत्मा है ना, बाबा ने हमें विशेष बनाया ना, तो साधारणता हमें सूट नहीं करती। फालतू हमें सूट नहीं करता। अगर आप दादियों को देखो, वो साधारण कर्म भी करती थी तो भी उनमें कितनी शक्ति महसूस होती थी, कितनी रूहानियत महसूस होती थी। आज हमारे कर्मों में, बोल में वो रूहानियत दिखाई दे, ये चाहिए। ये हमको फास्ट करना है। बाबा ने जो समय दिया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अपनी प्रगति करने का करें। ओम शांति।